सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपको घटाव विधि द्वारा भाग करना सिखाएंगे। क्या है हमारा टॉपिक? घटाव विधि द्वारा भाग। घटाव विधि द्वारा भाग। तो घटाव विधि द्वारा भाग किस प्रकार की जाती है? तो हमारे पास मान लो एक संख्या है कि हमें ये 25 है, इसको हमें भाग करना है 5 से। तो भाग करना क्या है? वो एक ही संख्या को बार बार घटाना ही भाग कहलाता है। पहले हमने किया है ये, तो अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा घटाव विधि से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया कि 25 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो हम इसमें से हर बार 5 को घटाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? 20। ये हमने पहली दफा घटाया। फिर इस 20 में से हम 5 से भाग कर रहे हैं, फिर 5 घटाएंगे तो हमारे पास यह 15 आता है। तो ये हमने दूसरी बार किया। फिर 15, 15 में से जब हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास 10 आता है। इसी प्रकार जब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसको घटाव को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा उत्तर 0 नहीं आएगा। अब देखते हैं हम कितने बार किया। यहाँ हमने 3 बार किया, यहाँ हमने 4 बार, और ये 5वीं बार। 5वीं बार में उत्तर 0 आ गया, इसके आगे हम और नहीं घटा सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25 में से हमने जब 5 को 5 बार घटाया तो हमारे पास जो बचता है वो शेष 0 बचता है। तो 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो वह 5 बार ही घट सकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 5। तो यहां हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम किस प्रकार घटाव विधि के द्वारा अपने जो भाग है उसको कर सकते हैं। आशा है आपने इसको समझ लिया होगा। इसको एक और उदाहरण के द्वारा करके देखते हैं। अगला उदाहरण जो हमारा है वो ये है। हम क्या करते हैं, हमारे पास 24 है, 24 को हम भाग करते हैं 8 से। अब आप सीख गए हैं, अब क्या करना है? पहली दफा हमने 24 में से 8 घटाना है। ये पहली दफा हुआ ना, तो क्या आएगा उत्तर? 16 आएगा। ये पहली दफा हुआ। फिर 16 में से फिर 8 घटा देंगे तो अब क्या आएगा? 8। यह दूसरी बार हुआ। फिर 8 में से जब दोबारा 8 घटाएंगे तो हमारे पास शेष 0 बचेगा, ये तीसरी बार हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 में से हम 8 को बार बार घटाएं तो केवल 3 बार ही ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या जाएगा? वो 3 आ जाएगा, कि 24 में से 8 केवल 3 बार ही घट सकता है। आशा है आप लोगों ने ये सीख लिया होगा। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 28 लिया है, 28 को हम भाग करते हैं 7 से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 28 से जब 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 में 7 गया 1, 2, 21। ये एक दफा हुआ। फिर 21 में से फिर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पर एक ही बचा है। फिर हम 14 में से फिर 7 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। इस प्रकार 7 में से जब 7 घटाएंगे तो उत्तर 0 आएगा, और ये जो शेष है ये 0 है, इसके आगे हम घटा भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने कितनी बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मतलब क्या है, ये 4 बार ही घटाया जा सकता है। तो अगर हम 28 को 7 से भाग करें तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4। ये 4 हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार हमने देखा कि हम घटाव विधि के द्वारा भाग कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया, आप भी एक दो सौ सवाल खुद से करके देखो तो ये आपको अच्छी तरह हो जाएगा। ये मैं कुछ सवाल आपको छोड़ देता हूँ घटाव विधि द्वारा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 45, 45 को आपने भाग करना है 5 से, बार बार करते। दूसरा सवाल है, यहाँ पर है 72, 72 को आपने भाग करना है 9 से। और तीसरा एक सवाल और है,
इस वाल में हम ले लेते हैं 42, और 42 को आपने भाग करना है 6 से। तो ये घटाव विधि द्वारा आपने 3 सवाल अपने आप से हल करने हैं। धन्यवाद।